ये गीत जो है वो इस फिल्म का मेरे ख्याल से हाईलाइट है गाना। जब हमने इसे रिकॉर्ड किया था तो उसी वक्त इस बात का एहसास हो गया था। अनूप जलोटा जी जो हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारी दोस्ती पुरानी है बहुत। हम करीब 35 साल से हमारी दोस्ती चली आ रही है। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ये गाना इस फिल्म के लिए करना है, और मैं जब स्टूडियो पहुंचा तो पता चला कि कुछ काम की वजह से उनको कहीं बाहर जाना पड़ा था तो वो नहीं आ पाए। ये गाना मैंने अकेले गाया स्टूडियो में, जो मेरा पार्ट है वो तो अकेले गाया। लेकिन जब गाते गाते मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने अनूप जी को फ़ोन किया और कहा कि भाई मैंने मेरा पार्ट गाया है और मुझे गाना बहुत पसंद आया है। तो मैंने कहा कि अब आप जो है उसमें उतनी जान डालिए कि लगे कि सही में दोस्ती हमारी जो है वो 35 साल पुरानी है। तो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से ये गाना गाया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंद्रा बारो जी, उन्होंने कहा कि भाई ये गाना जो है वो इतना खूबसूरत है कि इसका आपकी जो दोस्ती है उसको प्रोजेक्ट करते हुए एक वीडियो बनाना चाहिए। तो उन्होंने ये जब शूट किया तो अब जब जाके हम देखते हैं उसको तो इस बात का एहसास होता है कि केमिस्ट्री जो होती है दोस्तों में वो सामने नज़र आती है। और बहुत अच्छा गीत है। मेरे ख़्याल से कई सालों से जो गाने आए हैं उसमें दोस्ती का जो सब्जेक्ट है या तो दोस्ती की बात करते हुए कोई गाना जो बना है उसमें मेरे ख़्याल से ये गाना जो है आउटस्टैंडिंग गाना है। और मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत लोग पसंद करेंगे। नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे ख़्याल से इस तरह के इवेंट के लिए और इस तरह के काम के लिए ये जगह बहुत अच्छी है और मेरे ख़्याल से बहुत ही ये लाजवाब है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपका ये जो रेस्टोरेंट है वो और कामयाब हो और सक्सेसफुल। बिल्कुल बिल्कुल बजा देंगे जी, बिकॉज़ मैंने इसमें एक आइटम सॉन्ग किया है। और सबसे बड़ी ऑनर की बात यह है कि मैंने आशा जी के साथ ये गाना गाया है। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग। देखिए, आज के ज़माने में सब अलग अलग डबिंग करते हैं, तो उन्होंने अपने टाइम पे किया, मैंने अपने टाइम पे डबिंग की, बट टू शेयर दैट वन प्लेटफॉर्म, दैट वन सॉन्ग विद हर इज़ द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। इस फिल्म में जो मैंने गाया है वो आइटम सॉन्ग है। जरूर जरूर। ये गाना है, छोरे हवा के छोरे, छोरे हवा के छोरे, मैं थारी बाबरी रे, मैं थारी सावरी रे, तुम्हारी प्यास तू ही मारी भूख, रहना ये मत वारी, दिला दे याद थारी, सिली सिली जियो माँ उठे भूख, छोरे हवा के छोरे, छोरे हवा के छोरे। इस तरह तो बहुत ही अच्छे सिंगर्स हमारे इस म्यूजिक में हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि निखिल की सबसे इतनी अच्छी मुलाकात है, सबसे इतना प्यार है कि सब लोगों ने आके प्यार से गाया। थैंक यू अनुप जी, मैं आशीर्वाद दूंगा। डन वेरी वेल, यू हैव डन वेरी वेल, डन वेरी वेल। मैं जब छोटा था, मैं एक झूठ, जस्ट एक वन मिनट, मैंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किए और कोठारी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके पंकज जी का एल्बम लिया। ब्रीच कैंडी में सब लोग सब मस्ती कर रहे थे, ये कर रहे थे, मैं कोठारी इलेक्ट्रॉनिक्स के काउंटर पे जाके देखता था कि कैन आई मेक सम मनी। अरे अनुप जी 505-506 म्यूजिक इंडिया, मैं वो सब काम करता था क्योंकि म्यूजिक का शौक था। कभी सीखा नहीं म्यूजिक, आज तक मैं म्यूजिक सीखा नहीं हूँ, आई एम एडमिटिंग, बट दोज आर द थिंग्स दैट पुट मी देयर, दोज आर द थिंग्स, यू नो, दोज एल्बम्स व्हिच आई बॉट, आई स्टिल पोसेस देम। And I remember, you know, buying these albums from Kothari Electronics, Pankaj Ji's first album from India Book House, correct? India Book House ka album tha, aur uske baad kaafi album aaya, so that I made up from these songs, you know.
ये गाने सुन के दीवारों से बिल्कुल रोना अच्छा लगता है, कटेगी अब जिंदगी रोते रोते तुम्हारे शहर का आलिसम। सो दैट्स व्हाई द म्यूजिक इज, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपने हैं जाके तेरे संग रहना।